इसलिए संत बार बार जीव को कहते हैं कि भाई ऐसी भूल इस जीवन में ना करो कि जो गलतियां हुई हैं वो हुई हैं। तो अगर पूछा जाए, बिना पूछे भी संतों ने अपने आप से कहा कि अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाओ, किसी जीव को दुखी ना करो। अगर तुम किसी जीव को दुखी करते हो, दुख किस प्रकार से, वचन से करते हो, शरीर से करते हो, कर्म से करते हो, तीन प्रकार से जो कर्म करते हो तीनों प्रकार के कर्म को सुधारो। ये कर्म अगर सुधार लोगे फिर भक्ति करने के लायक बनोगे। कि मन से तो किसी के बुरे ख्यालात ना करो, ना ईर्ष्या रखो ना बुरे ख्यालात को। अगर किसी के प्रति हम बुरे ख्यालात रखते हैं, बुराइयां मन में पनपती हैं, ईर्ष्या पैदा होती है, अपने आप को अंदर से सड़ा देते हैं, फिर वो बार कहीं जाके क्रिया रूप लेगी। अंदर से हम खत्म होते हैं पहले, वो ईर्ष्या द्वेष हमें मारती है। तो इसलिए मन से अगर किसी के बारे में सोचते हैं, मन बड़ा ताकतवर है, मन में बुराई उठाओ तो बुराइयों को पैदा कर देगा, मन में अगर अच्छाई उठाओगे तो अच्छाई पैदा कर देगा, मन में अगर भक्ति के ख्याल पैदा करोगे तो भक्ति होगी, अगर मन में प्रभु के प्रति तुम्हारा प्रेम होगा तो प्रेम में हो जाओगे। उस प्रेम में ऐसे हो जाओगे कि आपको हर जीव में परमात्मा दिखाई देगा, हर कर्म में आपको उसका जहूर नजर आएगा, हर बुरे काम से आपको नफरत हो जाएगी। जो भी करोगे आप हर प्रकार से, मन से भी, वचन से भी और कर्म से अच्छा करना चाहोगे। ये सब के सब कहाँ पैदा हुए? हमारे मन में हुए। और मन में ये विचार किसने उठाए? हमने उठाए। तो इसी मन में अगर बुराइयाँ उठती हैं तो उनको दबा देना चाहिए। एक चालाकी और की गई थी, जब काल पुरुष ने जीव को संसार में भेजा तो दो प्रकार की शक्तियाँ हैं। जिस प्रकार से संतों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने तप से इस चीज को खोज निकाला कि इंसान की नेगेटिव पावर सारी की सारी नकारात्मक शक्तियां पहले से एक्टिवेटेड हैं। जीव को जब यहाँ भेजा गया वो शक्तियां सब में जागृत हैं। किसी को बुराई ना सिखाओ, अपने आप बुराई सीख जाएगा। ना बुराई करने की, चोरी की, बदमाशी की, ठगी की, कहीं कोई, मैंने तो पाठशाला या कोई विश्वविद्यालय देखे नहीं, ना कोई उनको पढ़ाने वाला देखा, लेकिन फिर भी बिना पढ़ाए पढ़ जाते हैं सारी की सारी बुराइयां। तो इसलिए ये सारी की सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो एक्टिवेटेड हैं। लेकिन पॉजिटिव पावर जो इंसान में हैं, पूरी सृष्टि में अगर देखोगे तो दो ही चीज़ों से काम होता है। अगर इंसानों पर, देवताओं पर लोगे तो राक्षस और देवता दो ही शक्तियाँ हैं। राक्षस नेगेटिव पावर्स के सूचक हैं और देवता अच्छे गुणों के सूचक हैं। दोनों की लड़ाई हमेशा रहती है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई नहीं रह सकती, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई नहीं रह सकती। तो शक्तिशाली जो होगा वो दुर्बल को वहाँ से निकाल देगा। तो हमारी अच्छाइयाँ दुर्बल हैं और बुराइयाँ जो है वो सशक्त और शक्तिशाली हैं। तो बुराइयाँ क्या करती है? अच्छे विचारों को अंदर में नहीं आने देती। जब भी अच्छे विचार आते हैं तो वो उनको किसी न किसी दूसरी चीज़ में लगा के इंसान को फिर भरमा देते हैं। हम देखते हैं सत्संगों में, देखा देखी काफ़ी लोग आ जाते हैं सत्संग में, आते हैं कहते हैं नाम भी मैंने ले लिया। नाम लेने से धर्म नहीं होता। नाम क्या काम देगा आपको जब तक नाम को जाने नहीं, समझे नहीं? नाम का मतलब, नाम से पहले शर्त है। उन नाम से पहले क्या शर्त है? कि विषय विकारों को त्यागो, चोरी जारी बदमाशी ना करो, अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, दूसरे की चीज़ पर बुरी दृष्टि ना रखो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अपने ख्यालात को हमेशा ऊंचा रखो, सच्ची करनी करो, फिर जाके तुम्हें नाम के काबिल बनोगे। नाम बहुत दूर है, नाम बहुत दूर है। अगर कोई कहता है कि, बल्कि तुलसी साहब ने तो कही है कि कोई कहे तुलसी कि गुरु में चिन्ह है तो तुलसी हाथ कान पर दीना। अगर कोई कहता है मैंने गुरु को जान लिया तो तुलसी साहब कहते हैं मैंने तो कानों पर हाथ लगा लिया, मैं इस वचन को नहीं सुनना चाहता, क्योंकि इस बात में सच्चाई बहुत कम है। जो गुरु को समझ गया, नाम को जो समझ गया, वो संसार से समझो उसका उठ गया सौदा यहाँ से। उसके अंदर कोई किसी प्रकार की फेर बुराइयाँ नहीं है। लेकिन जो मैंने बात कही थी कि बात क्या है कि नेगेटिव पावर्स हमारे अंदर प्रबल हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं।
तो अब संतों ने जो ज्ञान दिया, नाम दिया, वो क्या करता है? वो तीक्ष्ण दुधारी है, जिसको कहा ना कि सतगुरु इन दुश्मनों को मारने के लिए हमारे अंदर अनेक प्रकार के रिपु हैं, दुश्मन हैं। वो दुश्मन क्या क्या करते हैं? अनेक प्रकार से खिलवाड़ करके अनेक रसों में हमें फंसाते हैं, इंद्रियों के द्वारों से, शब्द सप्रस रूप रस गंध पांचों से। फिर पांच दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसे लगे हुए हैं, वो भी इसी प्रकार से पहले बाहरी रूप से वो इंसान को भड़काते हैं और अंदरूनी रूप से फिर वो, और फिर आदमी इनका गुलाम बन जाता है दसों का, फिर उसका छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका। फिर संतों के पास जाता भी है तो भी उसको बहुत समय लगता है, इसीलिए संत उसको नाम की बख्शीश तो कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक तू अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ देता, सबसे पहले उन बुराइयों को मिटाने के लिए ही कही जाती है। शास्त्रों ने तो किसी नाम का नाम भी नहीं लिया, वो तो जीव का कल्याण सिर्फ तीन बातों में ही बता दिया। वो तो कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मना दुख का हूँ मध्य ऐति रेणी जो रहे वो इस शब्द रस ले, कि जो इस प्रकार की रेणी रहता है, जो मन और वचन और कर्म से हर प्रकार से अच्छे काम करता है, अच्छी करनी करता है, अच्छे ख्यालात विचार रखता है, लेकिन सब चीज़ों से पहले ज़रूरत है ब्रह्मचर्य के पालन की, अपने खान पान पर कंट्रोल करने की, अपने बोलचाल क्या विचारों में मन में उठने वाले संकल्प और विकल्प की ओर ध्यान रखने की, पल पल रखवाली करनी पड़ती है सतगुरु सबके सिर पर। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं कि कोई अंत ही नहीं है, काल ने अनेक चीज़ें रच दी, कहीं कोई तीर्थ बना दिया, कोई व्रत बना दिया, कोई यज्ञ बना दिए, हवन बना दिए, पूजा पाठ बना दिए, और कलयुग में तो और अभी और ज़्यादा होने लग रहे हैं कि सारे के सारे बुरे काम भी करते जाते हैं, नाम भक्ति का लेते जाते हैं। अब लोगों का विश्वास उठ जाता है जब ऐसे ये काम देखे जाते हैं कि इसी का नाम अगर भक्ति है तो वो उससे अच्छा तो हम घरों में ही अच्छे हैं, कि कम से कम इन बुराइयों से तो बच जाएंगे। ये हर जीव जानता है कि बुराइयों से बच जाएंगे, लेकिन संतों के पास जाके भी जो संत का चोला पैर के आपको गलत शिक्षा देता है, बुराइयों में डालता है, क्यों डालता है? कि जो अच्छाई खुद नहीं, जिसने उस रास्ते को अपनाया, जिसके अंदर खुद के अंदर त्याग नहीं है, खुद के अंदर तप नहीं है, खुद ने जिसने कोई व्रत नहीं किया, खुद ने जिसने नाम की कमाई नहीं की, जिसने गुरु का संग नहीं किया, जिसने गुरु की सेवा नहीं की, वो कभी भी शब्द की कमाई करने के लायक नहीं हो सकता। ये है गृहस्थियों के लिए कि जो गुरु के वचन की पालना करता है उसको अपने कल्याण की जरूरत है। वो संतों की बात कही मैंने, क्योंकि संतों को तो अनेकों जीवों का कल्याण करना पड़ता है, और जिसको सिर्फ अपना कल्याण करने की जरूरत है, वो अगर नाम लेके सच्चाई से अगर उस नाम का सुमरण भी कर लेता है, अगर अभ्यास भी करता है सिर्फ सुमरण करने का, ध्यान की नहीं कही मैंने, शब्द की कमाई की भी नहीं कहता मैं, इस युग में जो सच्चे मन से एकाग्रचित होके दो ढाई घंटे की भी पाबंदी नहीं लगाता मैं कहता हूँ कि अगर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को तुम एकाग्रचित होके उस नाम को सुमरण के माध्यम से भी तुम थोड़ा समय लगाओगे तो भी निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ जो बुराइयों से छूट जाएगा उसका भी कल्याण होगा, लेकिन आसान तो वो भी नहीं है। हमारे जन्म जन्मों से हमारे वो संस्कार पड़े हुए हैं, ये जीव बेचारा उस कर्जे के नीचे दबा हुआ है, वो कर्म का कर्जा लेके आया है ये, इसीलिए इतना आसान नहीं होता। एक बार देखते हैं, दूसरे दिन थोड़े दिन के बाद देखते हैं कि कोई शराब पीने लग जाता है, घरवाली आके शिकायत करती है कि जी नाम लिया था कुछ दिन तो ठीक रहा, बड़े अच्छे दिन गुजरे, अब उसने तो फिर शुरू कर दी, हम तो फिर बर्बाद हो गए, करो कुछ। भाई करना क्या था? करने के लिए तो कर दिया, लेकिन जिस जो खुद नहीं चाहता, जो जानबूझ के अपना गला कटवाना चाहता है, उसको कौन बचाएगा? जो बचना चाहता है वो बच जाएगा, क्योंकि
आप अगर सोच के देखोगे तो अपने जीवन के बनाने वाले, गिराने वाले, अपने आप को ऊंचा उठाने वाले, अपने कर्म का निर्माण करने वाले आप स्वयं हो। जो इंसान कर्म से हीन हो जाएगा, जिसके बारे में कहा ना कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्म हीन नर पावत नाही, जो इंसान खुद अपने कर्म से हीन हो जाएगा, जो बुरे कर्मों में खुद पड़ जाएगा, उसको तो खुदा भी नहीं बचा सकता। गुरु क्या बचाएगा? गुरु तो ये है कि गुरु के पास जब जब जाओगे, गुरु तो तुम्हारे कल्याण की, तुम्हारी भलाई की और अच्छाई की बातें ही बताएगा, और जब भी चेतोगे तभी आपका भला है। लेकिन और भक्ति तो ऐसी चीज़ है, भक्ति के बारे भी ये ना सोच लेना ये किसी अमीर की हो, किसी ताकतवर की हो, किसी जाति विशेष की हो, नहीं। भक्ति तो मैदान की गेंद है, चाहे इसको कोई भी ले जाए। भक्ति गेंद चौगान की, भाव कोई ले जाए, कहें कबीर कोई भेद नहीं, कहाँ रंक कहाँ राय, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए सुलभ है, और फिर भी उसको नहीं ले पाते, मानते हैं और चीज़ नहीं मिलेंगी, जिसके बाद धन का अभाव है, गरीबी है, वो संसार के पदार्थों से वंचित रह जाएगा। लेकिन उसको भक्ति से कौन वंचित कर देगा? देख सकते हो कर्मा भाई के पास क्या था? भक्ति थी। पुल्ली भाई के पास क्या था? भक्ति थी। और कितने ही ऐसे, जो रविदास जी के पास क्या था, पलटू साहब के पास क्या था, कबीर साहब के पास क्या था? राजा नहीं थे वो, धनवान नहीं थे वो, गरीब जगह में पैदा हुए, लेकिन अपने कर्म को पवित्र रखा, मस्ती की हालत में रहे, बुराइयों को नहीं अपनाया, अच्छाई के रास्ते पर धर्म के मार्ग से अडिग रहे, डिगे नहीं, चाहे उनको किसी भी प्रकार से संसार के कष्ट और दुख सहने पड़े। सहने पड़ते हैं, जब कोई बुरा वचन बोलता है, हमारी बुराई करता है, बुरा मत मानना करो, वो हमारी रखवाली करता है, समझो हमारे अंदर वो बुराई है, तो उस बुराई को हम निकाल देना चाहिए। अगर वो बुराई हमारे अंदर नहीं है, तो वो तो इस प्रकार से हमारी भलाई करता है, जिस प्रकार से गाँव के चारों तरफ सुअर भिष्टे को सफा कर देता है और गंदगी को मिटा देता है। जो निंदा करने वाले होते हैं वो संतों के दरबार में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी ग्राम में शुक्र रहते हों। और शुक्र, कुकर और साकेत तीन चीज़ एक जैसी होती हैं। शुक्र सुअर को कहते हैं, कुकर कुत्ते को कहते हैं, साकेत जो ना गुरु का, ना पीर का, ना माँ का, ना बाप का, ना घर का, ना घाट का। ये तीनों चीज़ ऐसे हैं, ये उल्टे रास्ते पर चलते हैं। लेकिन संत, शेर और ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो कभी भी बुराइयों की ओर नहीं बढ़ते, चाहे उनको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ती है, कितनी भी उनको दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए वो अपने प्रभु के ध्यान में मस्त रहते हैं, और जो भी जैसा भी उनके सामने आता है उसी को कहते हैं। इसीलिए एक शब्द है, बार बार उसको गाते हैं, गौर करो कि कहते हैं कि दीवाने क्या गावे घर दूर, कि दीवाने क्या गावे घर दूर। ये भी बात है, मैं भी कहता हूँ, ये इतनी बातें जो कही गई हैं रोज़ाना और भी सुनाता हूँ, तो ये बात कहने से क्या है, वो घर तो बहुत दूर है। कौन सा घर? कि जिस घर में पहुँचने के बाद में जीव वापिस नहीं आता। और उस दूर के लिए क्या कहा, कि उस दूर घर को प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ा, कि अनल हक के हक को पहुँच जा सूढ़ी चढ़ा मंसूर। मंसूर को उस घर में पहुंचने के लिए सूढ़ी पे चढ़ना पड़ा, रविदास को हाथ कटवाने पड़े, संतों को ताते तवों पर, पांचवें बादशाही सिखों में गुरु के साथ क्या हुआ, नानक साहब को जेल में चक्की पीसनी पड़ी, कितने संतों ने कष्ट झेलने पड़े। इसलिए वो तो घर बहुत दूर है। कलयुग में, कलयुग में तो आडंबर है, कोई तो कहता है कि मैं सपने में गुरु दिखा था और गुरु कह के चला गया कि जा तू गुरु हो गया। अरे गुरु सपने में गुरु बनने लग गए, सपने के गुरु बन गए, कमाल की बात होगी। कोई अपने आप ही बन जाता है, नूला कभी कही थी मेरे को कि तू गुरु है। अब गुरुओं का बनने का तो चाह इतना हो गया, पल्ले ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, करनी नहीं। ये पापक्रम सबसे बढ़ के है कि इंसान जो खुद झूठ बोलता है, खुद पाप कर्म में फंसा हुआ है, दूसरे को पाप कर्म से क्या मुक्त करवा देगा वो? अरे बंदे को बंदा कभी नहीं छुटवा सकता। ऐसे आदमी की सेवा करो जो खुद बंधनों से मुक्त है,
जिसने अपने जीवन को अपने काबू में कर रखा है, कि वो मन कुछ चाहता है, इंद्रियां कुछ चाहती हैं, लेकिन वो जो चाहता है वो करता है, उनके कहने से नहीं करता, मन के कहने से नहीं बल्कि मन उनके कहने से करता है। इसलिए संतों ने बार बार ये कही कि अपने मन को काबू में करो, मन में उठने वाले विचारों को, संकल्प को अच्छा रखो। संग इंसान का हमेशा अच्छा होना चाहिए, संतों का संग, महापुरुषों का संग। बुरी संगति में अगर बैठते हो, थोड़े समय के लिए भी बैठोगे, अगर आपने 100 दिन सत्संग किया है और एक दिन बुरी संगति कर ली, 100 दिन का सत्संग वो बेकार कर देंगे। बुराई में इतनी शक्ति है, जिस प्रकार से एक थोड़ा सा छींटा अगर लस्सी का दूध में गिर जाता है तो उस दूध को फाड़ देता है और उस दूध से हमें कुछ नहीं मिलता। बुराई इतनी बुरी है कि उस बुराई को जब नहीं मिटा सकते हम, वो इसी प्रकार से दुखी करती है। तो इस बात का कभी ख्याल ना करो, बुरी संगति अगर करते हो, बुरे इंसानों की बात सुनते हो, तो वो उसी प्रकार से हमारे अच्छे विचारों में विघ्न पैदा कर देगी, जिस प्रकार से ये अब कर दिया। मैं इतना ही अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ, उन बातों को तो आप सुनना, उनको तो भूल गए। अरे एक छोटी सी बात कोई बच्चे ने आवाज़ निकाल दी, उसके लिए सब हा हुल्ला कर दिया। ये काल का खेल ये है कि जब अच्छी चीज़ कोई होती है, वो विघ्न पैदा करने के लिए कोई ना कोई ऐसा खेल करता है कि जिसमें विघ्न पैदा हो जाएगा। लेकिन जो सच्चे हैं उनके कोई असर नहीं होता, और जो होते हैं बहने वाले वो बह जाते हैं, वो तमाशा देखने वाले हैं। संतों का सत्संग कोई मेला नहीं है, कोई खेल तमाशा नहीं है, ये कोई नाटक मंडली नहीं है कि किसी के मनोरंजन के लिए इकट्ठे हुए हैं। संतों का सत्संग तो जीव के कल्याण का है, वो तो जीव के जन्म जन्म के कर्मों को धो डालते हैं। लेकिन अगर कोई धुलवाने वाला होता है तो ही धुलते हैं वो, नहीं तो चाहे रात दिन उसमें बैठा रहे तो भी कुछ नहीं होता। इसलिए अपना कल्याण करवाने के लिए मैंने कही थी ना कि तीन चीज़ों को हमेशा सत्संग में जाके खुला रखो, श्रवण को खुला रखो वचन सुनने के लिए, आँखों को खुला रखो दर्शन करने के लिए, और हृदय को खुला रखो उनमें उन अच्छे विचारों को जमा के रखने के लिए। और जब एकांत और फुर्सत का समय मिलता है फिर उनको पर गौर करो, विचार करो, सोचो, और जब उनका विश्लेषण करोगे फिर आपको जो उनसे चीज़ प्राप्त होगी, वस्तु जो तत्व निकल के आएगा, फिर आपको पता लगेगा कि सत्संग है क्या चीज़। सत्संग को हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि चार बात कह दी, बहुत लोगों ने बना रखा है। क्या करते हैं कि कहता है, एक को कहते हैं कि तू वाणी पढ़ दे, वाणी कबीर साहब की है, वाणी नानक साहब की है, वाणी दादू साहब की है, पलटू साहब की है, और उस वाणी को लेके वो फिर उसकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। अरे व्याख्या क्या करोगे, जिन्होंने जिंदगी भर अपने जीवन को भट्टी में तपा के जो शब्द और जो अनुभव और जो ज्ञान, जो शब्द को की कमाई करके उन्होंने जो चीज़ें दी हैं, उसके एक एक शब्द का एक एक ग्रंथ बन जाता है, और तू तुच्छ बुद्धि इंसान उसके साथ न्याय कर सकेगा क्या, उस वाणी की व्याख्या कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन ये उनकी मूर्खता की बात है, ये एक दिल बहलाव की बात है। क्यों, उसको उसके पल्ले तो कुछ है नहीं, जिसके पल्ले कुछ नहीं उन बातों को उठा उठू के उनका उल्टा सीधा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और वेद वाणी का, संतों की वाणी का अगर कोई गलत व्याख्या करता है, गलत मतलब निकालता है, 100 जन्म तक नरकों में रहना पड़ता है। संतों की बात का उनको क्या पता, उनका ज्ञान तो वही जानते हैं जिन्होंने उनको लिखा था। उनके महत्व को हम नहीं समझ पाते, हम तो उनके बारी स्वरूप को भी अगर जान लें तो भी एक बड़ी बात है। परंतु एक चीज़ है, उन वाणियों को लेके जो उन्होंने हमारे जीवन सुधार की बात बताई है, पहला है इंसान का व्यक्तिगत जीवन। जिस इंसान का व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है, जो झूठ कपट बेईमानी ठगी करता है, जो उसके विचार ख्यालात अच्छे नहीं हैं, जो चरित्रवान नहीं है, जिसका अपनी किसी भी चीज़ पर काबू नहीं है, खान पान पर, रहन सहन पर, इन चीज़ों के पीछे जो भागता फिरता है, तो उसका व्यक्तिगत जीवन ही खराब है।